कि आज हम क्या बनाएंगे, एक बहुत ही यूनिक पिकल। जो पिकल बनाने जा रहे हैं वो बहुत रेयर और यूनिक है। ये बड़ा यूनिक और बहुत ही फायदे वाला जो है वो पिकल है। इसकी मेडिसिन वैल्यू बहुत है और मैं आपको एक बात बताऊं कि अचार कभी भी किसी प्लास्टिक के बर्तन में मत डालो, क्योंकि वे सेम वे हम मल लेते हैं। देखिएगा, डिजर्ट फूड एंड लाइफ में आप सबका स्वागत है। तो अब हम फिर शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि आज हम क्या बनाएंगे, एक बहुत ही यूनिक पिकल। पिकल्स जो हैं वो ऑलवेज ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो लाइक किए जाते हैं। तो ये देखिएगा कि हर तरह के पिकल बनते हैं, बहुत वेज नॉन वेज हर तरह के पिकल्स बनते हैं। आज हम जो पिकल बनाने जा रहे हैं वो बहुत रेयर और यूनिक है। ये पिकल है हमारे पास, इसको पंजाबी में बोलते हैं ट्यों एंड हिंदी में ढेऊ और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मॉन्की जैक फ्रूट। सो ये बड़ा यूनिक और बहुत ही फायदे वाला जो है वो पिकल है। इसकी मेडिसिन वैल्यू बहुत है। मेडिसिन वैल्यू देखिएगा, इसकी होता ये अंदर बीजों वाला है, लेकिन इसके बीज, इसका सारा पार्ट जो है वो खाने वाला ही होता है। जब इसको अचार के रूप में खाया जाता है तो इसके सारे जो अंदर बीज वगैरह सब कुछ खाए जाते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला अचार है। होता ये सिर्फ मैंगो की तरह ही है, आम के अचार की तरह ही है। इसको वैसे ही काट के, अब मैंने आपको एक काट के दिखा दिया, लेकिन इसको हमने सुबह 2 घंटे की धूप जो है वो लगा दी है। धूप लगाने से थोड़ा अचार में जो पानी होता है वो सूख जाता है और ये एक प्रिजर्वेटिव जो है काम करता है। धूप को तो बाद में भी हमने लगवाना ही है, लेकिन इसको पहले भी हम लगवा लेते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अब आपको हम बताते हैं कि इसमें क्या क्या पड़ेगा। अचार की जान सरसों का तेल, ये भी पड़ेगा। ये हमारे पास एक मसाला है जो कि जिसमें मैंने जीरा, मोटी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग ये डाल के मोटा करके पीस लिए। इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना हमने, तो ये एक पीस लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। और प्रिजर्वेटिव, इसका अचार किसी का भी प्रिजर्वेटिव होता है। सॉल्ट, नमक जो है वो इसका प्रिजर्वेटर है। मैंने रॉक सॉल्ट लिया है, आप दूसरा भी ले सकते हैं। उसके बाद है कलौंजी। कलौंजी जो है वो मेडिसिन वैल्यू रखती है। ये होते हैं प्याज के बीज, इसको भी अचार में डाला जाता है और बहुत स्वादिष्ट इससे बनता है और खूबसूरत भी बनता है। ये है हमारी हींग। हींग भी बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहें तो डालें, चाहें ना डालें। ये है हमारी रेड चिली और ये है हल्दी और ये है मेथी दाना और ये है सौंफ। अब शुरू करें, डालें अचार को। ठीक है जी, अब हम शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे डालेंगे। हाँ, सबसे पहले डालते हैं सौंफ। सौंफ वैसे तो आपकी मर्जी के अनुसार है, लेकिन अगर आप नाप तोल के डालना चाहते हैं तो मैंने करछी के साथ डाली है। आप ग्राम्स के हिसाब से डालना चाहते हैं तो 100 ग्राम इसमें डल जाएगी।
ये है फेनुग्रीक सीड मेथी दाना, इसको भी हम दो चम्मच ये वाले डाल लेंगे। अब आगे हमारे दूसरे मसाले। अब दूसरे मसाले में हम डालेंगे गरम मसाला, जो मैंने आपको बोला है कि बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके मैं डालूंगी, ये है मेरे पास ऑलमोस्ट 2 kg, तो 2 kg में मैं इसको 4 जो है ये स्पून्स डाल दूंगी। अब डालूंगी मैं मिर्ची अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हमें मिर्ची काफ़ी अच्छी लगती है। मैं डालूंगी इसमें 3 स्पून डाल लेते हैं, 3 स्पून डाल लेते हैं क्योंकि मैंने भर के डाल दिए। अब है हल्दी, हल्दी जो है इसकी भी मेडिसिन वैल्यू है, इसको डालेंगे हम क्योंकि बहुत रंग देती है, इसको देंगे हम 2 स्पून। आगे आ गया नमक, नमक तो प्रिजर्वेटर है, नमक तो आप इसमें 1 किलो के पीछे जो है कम से कम 50 ग्राम नमक डाल सकते हैं, तो 100 ग्राम नमक जो है हम इसमें डाल देंगे। देखिएगा ये पड़ गया नमक, नमक जो है वो प्रिजर्वेटर है, इसको प्रिजर्व करता है। ये है हमारी कलौंजी, हमने इसमें 1 स्पून देनी है। नाउ आई मिक्स इट, देखिएगा इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। देखिए अचार कभी भी कोई फजूल की चीज़ नहीं है जिसको हम समझते हैं कि अचार का खाना अच्छा नहीं है। अचार का खाना बहुत अच्छा होता है, हर अचार अपने अपने रूप में डाइजेशन होती है उससे, लाइक क्योंकि इसमें सब मेडिसिन वैल्यू वाली चीज़ें जो है हम डाल लेते हैं, तो उससे इसका मसाला जो है फुली डाइजेशन वाला बन जाता है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे ओनली फॉर मिक्सिंग। ये वाली जो मेरी कड़छी थी, ये वाली 1 स्पून ये वाला बड़े वाला डाल लीजिए, और एक आपको चाहिए बर्तन जो बिल्कुल सूखा हुआ। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अचार कभी भी किसी प्लास्टिक के बर्तन में मत डालो, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन में केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं। तो इसमें डालने से क्या होता है कि ये कभी भी अचार खराब नहीं होता, और अचार लॉन्ग पीरियड तक आप रख सकते हैं और दिखने में भी सुंदर होता है। अब इसको हम हाथ से मल लेंगे अच्छे से, जैसे आम का मलते हैं, सेम वे हम मल लेते हैं। देखिएगा अब देखिए अचार लोगों का खराब क्यों होता है। मेरे को नमक कम लग रहा है, मैं नमक और डाल रही हूँ, तो नमक मैंने डाल दिया, बाकी सब कुछ ठीक है। अच्छा, तो अचार को मैं कह रही थी खराब क्यों होता है। अचार खराब इसलिए होता है कि 3-4 चीज़ों का लोग हाथ का ख्याल नहीं रखते। लोग कहते हैं हाथ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमात्मा ने सभी को हाथ बराबर दे रखे हैं, सबके अच्छे हाथ हैं, गोरे हैं, काले हैं, ब्राउन हैं, इस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता किस बात का, आपके हाथ साफ, आपके हाथ सूखे होने चाहिए। अब क्या करना है, सबसे पहले टिप मेरा ये है कि नीचे वाली साइड में आप थोड़ा सा जो मसाला है वो घेर लो, ठीक है। ये हमने मसाला घेर लिया, अब सूखे हाथों से अच्छे से थोड़ा सा अचार इसमें डाल लेते हैं। देखिए मैंने आपको इसकी मेडिसिन वैल्यू बता दी कि ये डायबिटीज़ के लिए, ये हार्ट के लिए, ये डाइजेशन के लिए, एक तो ये खुद ही डाइजेशन के लिए इतना अच्छा है मंकी जैक फ्रूट, और दूसरा जब इस मसाले के साथ मिक्स हो जाता है तो इसकी डाइजेशन जो है डबल हो जाती है। देखिएगा ये सरसों का तेल भी बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, सौंफ भी बहुत अच्छे हैं, हर खाने के बाद हर होटल में हर जगह आपको मिलते हैं सौंफ, बिकॉज इसकी डाइजेशन वैल्यू भी बहुत है।
ऐसे जीरा, ऐसे मोटी इलायची, ऐसे ही ओ माई गॉड आई फॉरगॉट, हमने हींग नहीं डाली, हींग जो है इसमें इतनी सी डाल ली है, शुक्र है याद आ गई है, मैं तो भूल ही गई थी भाई। तो ये जो है हम ऐसे इसको मलेंगे। अब मैं आपको ये बताऊं, अचार उनका खराब होता है जो ये ऐसे पड़ा हुआ है, इसमें मसाला घेरा, मसाला घेरा, शेक किया, डाल दिया। नो, नॉट एट ऑल, मसाले को आपको मलना पड़ेगा अचार के ऊपर और ऐसे इसको करके पूरे हाथों से अच्छे वाला। तो अब इसको ऐसे करके इसमें हम डाल देंगे, देखिए पड़ गया ना। तो इस अचार को मुंह बांध के ना, तो इसको हम 3 दिन की धूप लगाएंगे, 3 दिन की धूप लगाएंगे, उसके बाद हम डालेंगे इसमें तेल। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, दैट इज टी जेड फूड, दैट इज फूड चैनल, एंड आई विल लाइक टू शेयर विद यू, आई विल गिव यू द फूड आइटम्स लाइक एनी वर्ल्ड फेमस फूड जो होते हैं वो, और मेरी माँ के, मेरी दादी के, मेरी नानी के सिखाए हुए जो फूड हैं वो भी हम उसमें शेयर किया करेंगे। आप ज़रूर देखिएगा। और ये देखो हम लोग इसको फिर अगेन मलेंगे, मलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक और आपको टिप दे दूँ, हमें ऐसे मलते 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 क्या होता है कि हमारा जो लास्ट तक जाते जाते नमक कम हो जाता है, तो एक आधा चम्मच इसमें जब और ये डाल लेंगे, तो इसमें मसाले में आप और डालें, आपको मसाले का एक एक जो पीस है दिखना चाहिए भी उसमें हमने मसाला हमारा चिपक गया है। तो ये जो है ऐसे इसमें डाल देंगे। तो अब मैं आपके लिए तो इतना ही दिखा रही हूँ, मैं डालूँगी कम से कम 10-15 किलो, जिसको भी चाहिए आइए मेरे पास, भेजिए अपना बंदा और कलेक्ट करवा लीजिए ये वाला मेडिसिन वाला अचार। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी, ग्लैड, जो भी मेरे से लेना चाहें, खाना चाहें। अच्छा, तो अब क्या है, अब ये मैंने इतना डाल दिया ना, अब इसके ऊपर भी जितने भी हम मर्तबान भरेंगे उनके ऊपर भी ये मसाला डालना ज़रूरी है। तो ये दोनों तरफ जब बड़ा हो मर्तबान, ये वाला इतना हो, तो नीचे डालें, बीच में डालें एंड अगेन ऊपर डालें, तो बनेगा आपका अचार बहुत स्वाद, बहुत मज़ेदार, स्पाइसी, यूनिक। जिसको भी खिलाएंगे याद रखेगा आपको ऑलवेज, और आप रखिए मुझको याद, और मेरे को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए फेसबुक पेज पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अब के लिए शुक्रिया, मेहरबानी, शब्बा खैर।